सुकमा में नक्सलियों ने जवानों पर आज हमला कर दिया और हमले में दो जवान बुरी तरह से घायल हो गए। घायल जवानों को रायपुर लाया गया। हमले के दौरान जवान सुकमा के जगरगुंडा साप्ताहिक बाजार में ड्यूटी पर तैनात थे। नक्सलियों ने दोनों जवानों का गला रेत दिया। संवाददाता ने प्रत्यक्षदर्शियों से इस घटना को लेकर बातचीत की, सुनिए। तो घायल जवानों को रायपुर लाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि नक्सलियों ने जवानों पर हमला किया, धारदार हथियार से इनका गला रेत दिया गया। जिगरगुंडा साप्ताहिक बाजार में इनकी तैनाती थी और लगातार नक्सलियों के खिलाफ जिस तरह से साई सरकार और पुलिस प्रशासन के साथ ही हमारे सुरक्षा बल मुंहतोड़ जवाब उन्हें दे रहे हैं, एक एक कर नक्सलियों को मार गिरा रहे हैं। साफ तौर से उनकी बौखलाहट समझी जा सकती है। दो घायल जवानों को रायपुर लाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। जगरगुंडा के साप्ताहिक बाजार में आज सुबह जो नक्सलियों को हमला हुआ, उसके जस्मदीप गवाह जो हैं, जवान घायल है, तो उनके साथ में जो लोग मौजूद थे, जो जवान मौजूद थे, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप क्या CRPF वाले? थाना पुलिस वाले। तो क्या हुआ था, कितने बजे की घटना है, आप लोग कितने लोग गए? 8 बजे था। 8 बजे क्या हुआ था, पूरा घटना बताओ। मतलब सामान खरीदने गए थे, वहाँ से आपसी में ऐसा हो गया था। और उसके बाद उन लोग कितने लोग आए, नक्सली लोग कितने? नक्सली 20 लोग तक है, 20 लोग। लेडीज भी, छोटे छोटे लड़की लोग भी आ गया, आके एक जोन के जोन पकड़ लिए। अच्छा, लड़की लोग भी थे, बच्चे लोग भी थे? हाँ, ये साइज वाला लड़की 15-16 साल के लड़के लोग भी आ गए, लड़का लोग भी, एक साथ आके पकड़ लिए। वो बेचने वाला चाकू था, उसको उठा के किसी को मार दिया। ये पहली बार गला रेत के करें ना, गला रेत के लूटे हैं, क्या करें? इसको पीछे से आके पकड़ लिए, पहले हथियार पकड़ लिए, उसके बाद काटने वाला अलग, छीनने वाला अलग, अलग अलग कर दिया।